हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश टू में। आज की जो बात करने वाले काफी बच्चों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022 में जब आप फॉर्म को विड्रॉ करते हैं तब एप्लीकेशन डिनाइड, ऐसे कुछ प्रॉब्लम सामने आ रही है। फ्रेंड, इसके रिगार्डिंग काफी सारे कमेंट्स मुझे इंस्टाग्राम में देखने को मिले। वास्तव में देखा ये प्रॉब्लम है क्या, वास्तव में इससे पहले कहीं प्रॉब्लम नहीं आया। जब एप्लीकेशन बच्चा विड्रॉ कर रहा है, दूसरी स्कीम अप्लाई करना चाहता है, तब इस बच्चे का ऐसा कुछ दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है ऐसा, इस पूरी वीडियो में बताऊंगा आपको। सॉर्ट आउट क्या रहेगा, सॉल्यूशन क्या रहने वाले, इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। इसी प्रकार की स्कॉलरशिप वीडियो होता है, तरीके अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो आप इस बंदे के मिस्टर देख सकते हैं, इस बंदे का एप्लीकेशन जो है नो स्कीम अवेलेबल शो कर रहा था। ये बच्चा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का है, लेकिन ये बच्चा मुझे फॉर्म बोल रहा है मिस्टर मैं फॉर्म को विड्रॉ करना चाहता हूँ और विड्रॉ करके फिर से किसी दूसरे स्कीम में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो सर ये नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन डिनाइड बता रहा है। सर क्या करें, सर जल्दी बताइए, लास्ट डेट जाने वाला है। प्री मैट्रिक जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है फ्रेंड्स, तो बताइए सर। तो मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। अगर आपका डिनाइड आ रहा है तो आपको एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ये सॉल्यूशन इस बार नहीं किया, आपने सोचा कि अगले साल टाल देंगे, अगले साल बढ़ लेंगे, तो अगले साल भी आपका ये प्रॉब्लम जाने वाला नहीं है। अगले साल भी आपका एप्लीकेशन डिनाइड दिखाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है फ्रेंड। जब मैंने एनएसपी की टीम से बात की, चाहे वो मेल के थ्रू बात नहीं किया था, मैंने कॉल के थ्रू बात किया था, जो उसके हेल्पडेस्क नंबर पे जो कॉल है उस पर कॉल करें, कस्टमर केयर वाले नंबर मिलेगा। जब उनसे मैंने बात किया इस प्रॉब्लम के बारे में, मैंने जाना उनको, तो उन्होंने बोला कि आपको घबराने कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी टीम जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम को फिक्स कर रही है, बहुत ही जल्द आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बस आपको ये करना है, आपको एक वैलिड रीजन डालना। जब आप फॉर्म को विड्रॉ करते हैं तो आपको एक वैलिड रीजन डालना पड़ता है। हो सकता है कभी कभी वैलिड रीजन नहीं होने के कारण आपका परमिशन जो है डिनाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो आपको एक वैलिड रीजन डालना है, जैसे कि लाइक जिसमें आपको बता रहा हूँ, आप किसी दूसरी स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं, मैं स्कीम के एलिजिबल नहीं हूँ, है ना, मैं गलती से स्कीम के लिए भर दिया था, मैं किसी दूसरी स्कीम में अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ आपको इंग्लिश में गूगल ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आपको वहां लिख देना है। ज्यादा आपको यहाँ पे एक या दो लाइन आपको लिखना है, ऐसा नहीं आपको सिंगल एक दो वर्ड्स में आपको लिख दिया हो गया खत्म, नहीं, आपको सिंगल एक या दो लाइन में आपको लिखना है, पूरे वर्ड्स को आपको समझाना, उसके बाद आप कीजिएगा, उसके बाद डेफिनेटली आप कहीं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है आपको सॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये खुद मुझे एनएसपी की टीम ने बताया है। आप चाहो तो हेल्प डेस्क के मेल पे भी कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, या आप खुद जाके कॉल पे भी कर सकते हो। ये प्रॉब्लम एक बार देखिए, एक बार नहीं हो रहा है सॉल्यूशन एक बार, तो प्लीज एक बार एनएसपी से बात कीजिए, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, लास्ट 30 सितंबर है, आपको जैसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कुछ भी अपडेट्स के लिए कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो इंस्टाग्राम डीएम कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा, आपके भाई आपके साथ सदैव हेल्प के लिए मौजूद है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।